डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। और कहीं निकलने से पहले इसमें मेरे कुछ कपड़े नहीं है, कैमरा बैग, ये पर्सनल लैपटॉप, इसमें ऑफिस का लैपटॉप। सो गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ देहरादून के लिए, ऑफिशियल काम है, रोड ट्रिप तो नहीं बोलूँगा बट जो भी है जितना दिखा पाऊँगा। वहाँ पे एक दो जगह शॉर्ट लिस्ट करी है तो वो मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा, कुछ हिडन प्लेसेस भी वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल है। फिलहाल गाड़ी की हालत कुछ ऐसी है तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं मिडवे में जाके इसको एक बार वॉश भी करा लूँ, क्योंकि ऑफिशियल काम से जा रहा हूँ तो उसको बीच रास्ते में कहीं से वॉश कराएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो भाई एज यूजुअल कहीं निकलने से पहले इसको खून पिलाना पड़ता है, आ गए इसको खून पिलाने, अभी इसका टैंक फुल कराते हैं फिर आगे की तरफ निकलते हैं। भाई गाड़ी का पेट फुल, ऑलमोस्ट 4000 रुपये का फ्यूल आया है, आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अब सुतम सुत गाड़ी खींचनी है। पहला ब्रेक ले लिया, ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर क्लॉक कर लिए हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट शायद 80 किलोमीटर के आसपास होगा। फिलहाल यहाँ पे एक चाय मारते हैं फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे निकलेंगे, क्योंकि इतनी जल्दी पहुँच के भी ना होटल में चेक इन नहीं मिलने वाला। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद ना ठंड पता चल रही है और बेचारी मेरी गाड़ी की हालत बहुत गंदी हो गई। फिलहाल इसके शीशे क्लीन करते हैं, पीछे से नॉइज आ रही थी उसको इग्नोर करना। फिलहाल पराठे बोले पराठे खाते हैं, चाय निपटाते हैं फिर आगे मिलते हैं। सो भाई हेयर इज़ माई पराठा और इसका साइज़ देख के मुझे लग नहीं रहा है कि मैं इतना लपेट पाऊँगा। फिलहाल इसको निपटाते हैं फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। पेट पूजा डन भाई, चाय और पराठे एक नंबर। फिलहाल यहाँ पे ना गाड़ी से उतरने के बाद ठंड का एहसास हो रहा है कि ठंड कितनी है। फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ कि इतनी जल्दी भी पहुँच के क्या करेंगे, आधे घंटे का पावर नैप ले लेते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बट अभी सोच रहे हैं, कंफर्म नहीं है, इमीडिएट नहीं सोचे हैं ऐसा। फिलहाल अभी गाड़ी के शीशे साफ करते हैं उसके बाद प्लान करते हैं कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मुझे फॉग का डर था कि मेरे को फॉग मिलेगा बट अभी तक बिल्कुल क्लियर रोड है, फॉग अभी मुझे मिला नहीं है। और भाई ये हाईवे, मैंने गाड़ी क्लॉक कर ली ऑलमोस्ट 199 किलोमीटर और टाइम हो रहा है अभी 11:30। भाई पता ही नहीं चला कि मैंने गाड़ी 200 किलोमीटर चला लिए। फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ, एक तो भाई अब नींद में हो ना, जीभ लड़खड़ा रही है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कहीं स्टॉप ले लूँ हाफ एन आवर का, क्योंकि मैंने वहाँ पे नैप लिया नहीं, मैंने गाड़ी के शीशे साफ करे और मैं निकल लिया। तो सोच रहा हूँ कहीं पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाऊँ आराम से, आधे घंटे का पावर नैप लेके फिर आगे निकलूँगा। फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू स्टॉप, क्योंकि अभी 1 बज रहे हैं, चेक इन मिलेगा नहीं होटल में, तो पेट्रोल पंप है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोच रहा हूँ अगर नींद आ गई तो आराम से हाफ एन आवर, 1 घंटे जितने की भी नींद आई एक पावर नैप मारता हूँ, उसके बाद आके का सोचूंगा निकलना है कि नहीं निकलना। और यहाँ से फॉग मिलना स्टार्ट हो गया है, मतलब फ़ोन में समझ नहीं आया, कैमरा मैंने निकाला नहीं क्योंकि अब आ रहा है आलस। तो फिलहाल गाड़ी यहाँ पे लगाइए, अंदर जाता हूँ, गाड़ी अच्छे से गर्म हो रखी है, आराम से आधा पौना घंटा रेस्ट करूँगा उसके बाद आगे का समझूंगा क्या करना है। भाई टाइम हो गया 2:10, फाइनली अब यहाँ से निकल रहा हूँ। फॉग, अब जो हालत हो गई ना फॉग की, अब विजिबिलिटी कुछ है ही नहीं। अब यहाँ से निकलते हैं आराम से, हौले हौले निकलते हैं, देहरादून कितने बजे पहुँचेंगे पता चल ही जाएगा आपको आगे वीडियो में। इतनी देर से फॉग ढूंढ रहे थे, अब जो फॉग मिल रहा है ना, मतलब गाड़ी चलने को नहीं हो रही, जीरो विजिबिलिटी है। फोन में इतना पता नहीं चलता है क्योंकि जहां फोन यूज कर रहे हैं ना रोड दिख रही है, बट जीरो विजिबिलिटी, कुछ नहीं दिख रहा। भाई 3:37 इन द मॉर्निंग और भाई ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर की ड्राइव और रह रही है,
लेकिन भाई जो टायर्ड हो गया हो ना, मतलब अब मन कर रहा है कि सो जाऊं। फिलहाल अभी कहीं एक चाय की टपरी मिलती है ना, फिलहाल वहां दोबारा से गाड़ी रोकूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अब आ रही है नींद की झपकियां। और यहाँ से थोड़े थोड़े पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गएंगे, फोन में इतना विजिबल नहीं होगा। फिलहाल पहले एक चाय पीते हैं, चाय की जरूरत है, फिर आगे बढ़ूंगा। भाई दोबारा से एक पावर नैप का ब्रेक ले लिया है। भाई पहली बार ऐसा हो रहा है कि गाड़ी चल ही नहीं रही है। 4:30 हो गए, ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर और बच रहा है, लेकिन अब हिम्मत नहीं है ड्राइव करने की। तो फिलहाल यार दोबारा सो रहा हूँ, जागने के बाद मिलेंगे। सो भाई टाइम हो गया है 6:15। मेरी लेट कहाँ गई? हाँ टाइम हो रहा है 6:15। भाई इतनी सही नींद मारी है ना 1.5 घंटे की, इतनी सही। और भाई बाहर 60 डिग्री टेम्परेचर देखता हूँ फोन में पहले एक बार कितना है बाहर। भाई 6 डिग्री टेम्परेचर है और हालत ऐसी खराब हो रही है ना। ठंड मिटाने के लिए एक चाय लिए फिलहाल। देहरादून में थोड़ा सा काम है, उसके बाद जो प्लान करा था मैंने, देहरादून तो शायद मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा, तो फिलहाल मैंने सोचा हुआ है कि यहाँ से नियर बाय चकराता है तो वो एक्सप्लोर करके आराम से वापस दिल्ली के लिए निकलेंगे। कि मेरा ब्रेकफास्ट आ गया भाई, चाय, टोस्ट, बॉइल्ड एग, वीडियो ऑलमोस्ट एडिट हो गई है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसको यहीं निपटा के अपलोड करके जाऊंगा। फिलहाल इसको निपटा लेते हैं, फिर आगे की कहानी समझते हैं। सुबह फाइनली होटल में चेक इन कर लिया है, टाइम हो रहा है 9:35। अब आ रही है नींद, एक तो पता नहीं नींद इतनी क्यों आ रही है। मैंने बहुत ट्रैवल करा लेकिन कभी ऐसी हालत नहीं हुई कि भाई बस सोना है। मैं इतना सोते हुए आया हूँ ना इस रोड ट्रिप, रोड ट्रिप नहीं है फिलहाल जो भी है, बट एक्सप्लोर करूँगा मैं अभी तो। अभी थोड़ा सा यहाँ रेस्ट करते हैं, फ्रेश होते हैं आराम से। अभी मैंने वीडियो एडिट कर ली ऑलमोस्ट, इसको मैं कोशिश तो मैं ही करूँगा, ऑन द गो वीडियो एडिट करके अपलोड कर रहा हूँ मैं, तो चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो विल बी आउट सून और वो बहुत कैडी होने वाली है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।